नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर की तेजाजी नगर पुलिस ने एक पीड़ित महिला के शिकायत पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षक पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। शिक्षक ने पीड़िता को शादी का लालच देकर बार अपने फ्लैट पर ले जाकर दुष्कर्म किया था। दरअसल इंदौर शहर में दुष्कर्म की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं गुरुवार को एक पीड़िता ने तेजाजी पुलिस को शिकायत की थी कि इंदौर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालित करने वाले शिक्षक ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर अपने फ्लैट पर ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया था। वहीं ACP आशीष पटेल ने बताया कि एक पीड़िता ने तेजाजी नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। 2018 में कोचिंग क्लास जाती थी, तभी प्रतीश श्रीवास्तव से दोस्ती हो गई थी, जिसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालक प्रतीश श्रीवास्तव ने शादी का झांसा देकर पीड़िता को अपने फ्लैट पर ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया था। जहां कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालक द्वारा 8 दिसंबर को शादी होने वाली थी, तभी पीड़ित ने शादी के कार्ड पर उसका नाम न होते हुए दूसरी लड़की का नाम देखा तो तुरंत तेजाजी नगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। बहरहाल कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालक प्रतीश श्रीवास्तव ने शादी तो कर ली है, पुलिस ने प्रतीश श्रीवास्तव के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। तेजाजी नगर थाने पर एक पीड़िता आई थी, जिसने कहा कि उसके साथ इंदौर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षक ने गलत काम किया है, शादी का झांसा दिया है। पीड़िता के कहने पर हमने धारा 376 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। उसमें जब शादी इनकी 8 दिसंबर को होने वाली थी, तो उसने किसी और लड़की का नाम परिवर्तित करके उसमें इन्विटेशन कार्ड में छपवाया था। तो इस पर पीड़िता को सख्त आपत्ति थी कि ये कौन व्यक्ति है। तो कपिल श्रीवास्तव नाम का शिक्षक है, उसने शादी का झांसा दिया था और उसने पीड़िता से शादी न करते हुए किसी अन्य लड़की से शादी की। सर, किस तरह से जान पहचान हुई थी पीड़िता की? पीड़िता का ये कहना है कि पढ़ने जाती थी वो, 2018 में PSC की तैयारी करने इंदौर आई थी। तो वहाँ पर जो है शिक्षक ने उसे पढ़ाने के बहाने अपने जाल में फंसाया और कई बार अपने फ्लैट पर ले गया, वहाँ पर उसके साथ गलत काम किया और ये कहता रहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन अंत में किसी और से शादी उसने की। सर, शिक्षक जो मैरिड था या अनमैरिड था? ये अनमैरिड था, इसने शादी अभी 8 दिसंबर को की है, लेकिन किसी अन्य लड़की से की है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। आई प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।